हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है भारी बारिश की दुनिया। साथ ही बात करेंगे 24 घंटों के बाद राजस्थान के किन जिलों में और बढ़ सकती है बारिश, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपके इलाके का कैसा रहा मौसम। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक ग्लोबल से एरिया देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान के पूर्वी भागों से और पश्चिमी भागों से सटे पूर्व मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के पूर्वी, मध्य और उत्तरी जिलों के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक हल्का WD की बात करें तो वर्तमान में उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है जिसके प्रभाव से हिमालय क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। अरब सागरी शाखा से आने वाली नम हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं लगातार देखा जाए तो राजस्थान के मध्य भागों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लगाकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषतः देखा जाए राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक देखें तो श्रीगंगानगर से लगाकर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर से लगाकर इन संपूर्ण क्षेत्रों में आज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य राजस्थान की बात करें तो जोधपुर से लगाकर नागौर, पाली, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में अरावली क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। मुख्यतः देखा जाए तो आज राजस्थान के पश्चिमी भागों में जैसलमेर, बाड़मेर के, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जालौर के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी संपूर्ण राजस्थान के इलाकों में आज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कहीं कहीं मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिले। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ उत्तरी जैसलमेर के इलाकों से होते हुए राजस्थान के पूर्वी भागों पर बने लोअर प्रेशर एरिया से पूर्वोत्तर भारत तक बनी है जिसके प्रभाव से देखा जाए तो मध्य भारत पर बारिश की गतियों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में दक्षिणी म्यांमार के आसपास विकसित होने वाला है जिसके प्रभाव से भी आने वाले समय में राजस्थान के कई इलाकों छोड़कर मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिल सकती है। मानसून वापसी की गतियों की बात करें तो 28 सितंबर के आसपास देखा जाए तो राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन विकसित होने की संभावना है जो काफी मजबूत और प्रभावी रहने की संभावना है। उसके बाद मानसून वापसी की गतियां राजस्थान सहित संपूर्ण भारत से काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकती हैं। लगभग देखा जाए तो मानसून वापसी की गतियाँ शुरू हो चुकी हैं परंतु आगे बढ़ने की गतियों की बात करें तो 28 सितंबर से एक बार फिर से मानसून वापसी की गतियाँ शुरू होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो WRF मॉडल के अनुसार किस प्रकार की बारिश की गतियाँ रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में कोटा संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है एक दो इलाकों में अति भारी बारिश की गतियाँ जयपुर के आसपास देखने को मिल सकती हैं जिससे किसानों को सलाह है कि अपनी फसल की बिल्कुल सुरक्षा करें क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतियाँ जयपुर के आसपास देखने को मिल सकती हैं। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी आज मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। जयपुर के आसपास के इलाकों की बात करें अजमेर से लगाकर नागौर के सटे इलाकों में भी मध्यम से तेज तो सीकर तक देखा जाए तो कहीं की भारी बारिश की गतियां हो सकती हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो भरतपुर संभाग के कई इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। मानसून वापसी की गतियों की बात करें तो 22 सितंबर को भी मानसून वापसी में कोई विशेष गतियां देखने को नहीं मिली। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों से राजस्थान के पूर्वी भागों में विशेषता देखा जाए तो कोटा संभाग के आसपास कहीं की काफी घने बादल देखने को मिल सकते हैं और कहीं की मध्यम स्टेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही बारिश की गतियों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में विशेषता देखा जाए कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कई इलाकों में काफी घने बादलों का जमावड़ा और उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में कहीं की भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में कहीं की फसल खराब है या जल भराव जैसी गतियां भी देखने को मिल सकती हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर। वर्तमान में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषतः तेज या मूसलाधार भारी बारिश की गतियों की बात करें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर के कुछ पूर्वी भागों से लगाकर जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर भीलवाड़ा के क्षेत्रों की
बात कहें तो इन क्षेत्रों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी तो एक दो इलाकों में अति भारी बारिश की जहाँ जयपुर सीकर नागौर सिलागर अजमेर टोंक दौसा के आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। भरतपुर धौलपुर के कई इलाकों में भी अति भारी बारिश की गिद्दियाँ कई इलाकों में देखने को मिलेगी जिसमें किसानों की फसल खराबी जैसी नुकसान की गिद्दियाँ देखने को मिल सकती हैं। राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गिद्दियाँ देखने को मिलेगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गिद्दियाँ हो सकती हैं। सिरोही जालौर बाड़मेर के पूरी भागों से लेकर बीकानेर पाली और जोधपुर के कई इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गिद्दियाँ देखने को मिलेगी। बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो दोपहर के बाद कहीं की मूसलाधार बारिश की गिद्दियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी जोधपुर से लगाकर कई इलाकों में भी आज हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और एक दो इलाकों में खंड बारिश की गिद्दियाँ हो सकती हैं। जैसलमेर और बाड़मेर की बात करें इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। पूर्वी बाड़मेर के कई इलाकों में जो जालौर से सटे और जोधपुर से सटे इलाकों में एक दो इलाकों में खंड बारिश की गिद्दियाँ या तेज बारिश की गिद्दियाँ जरूर देखने को मिल सकती हैं। परंतु बाड़मेर के पश्चिमी भागों से लगाकर जैसलमेर के कई इलाकों में आज मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिलेगा और कहीं हल्की तेज हवा का प्रभाव पश्चिमी दिशा से देखने को मिल सकता है। सुबह सुबह दोपहर के बाद देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि मानसून ट्रफ कुछ समय के लिए जैसलमेर के आसपास रहने की संभावना है जिसके प्रभाव से हवा की दिशा भी उत्तरी दिशा से होने की संभावना है और जल्दी हवा दिशा में परिवर्तन और मानसून ट्रफ का उत्तरायण होने के साथ साथ इन क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी से आने वाली हवाओं का प्रभाव फिर से देखने को मिल सकता है। राजस्थान के मध्य से लगाकर पूर्वी भागों में आज भारी बारिश की गिद्दियाँ और दक्षिणी भागों के अंदर कहीं की तेज या मूसलाधार बारिश की गिद्दियाँ देखने को मिल सकती हैं और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में खंड बारिश की गिद्दियाँ संभावित हैं। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान DRT को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।